जी हाँ नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज स्टैट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले, क्योंकि सबसे पहले व सबसे सटीक जानकारी आपको इस चैनल पर दी जाती है। जैसे कि आपको पता है कि ई टेंडर का नोटिस आ चुका है। ई टेंडर में साफ तौर पर लिखा है कि 26 दिसंबर और 27 दिसंबर को स्टैट का एग्जाम 400 सेंटर में कनेक्ट करना है, लेकिन आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगी ये आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि आवेदन प्रक्रिया से संबंधित अभी तक प्रशासन ने किसी प्रकार का कोई भी नोटिस नहीं जारी किया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर 26 और 27 तारीख को ये जो कह सकते कि एग्ज़ाम होना है, तो कहीं ना कहीं नवंबर के सेकंड वीक में, जो हमें जानकारी मिली है मौखिक तौर पर, नवंबर के सेकंड वीक से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आवेदन के लिए नोटिफिकेशन पहले ही आ जाएगा कि इस तारीख से इस तारीख लगा आप आवेदन कर सकते हैं, इस तारीख तक आप जो मिस्टेक है उसको ठीक कर सकती हैं। तो यानी नवंबर के सेकंड वीक में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आवेदन करने के लिए जो नोटिस जारी होता है वो नवंबर के पहले ही हफ्ते में जारी हो जाएगा, या उससे पहले भी कभी भी जारी हो सकता है। तो इस वक्त की स्टेट से संबंधित हमने जो पड़ताल की है उसी के आधार पर बता रहे हैं कि नवंबर के सेकंड वीक से ही जो है आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आवेदन के लिए जो पहले नोटिस जारी होता है जिसमें संपूर्ण जो है कह सकते हैं कि रूपरेखा तैयार की जाती है और जो नोटिस जारी होता है वो नोटिस नवंबर के फर्स्ट वीक में या उससे पहले भी जारी हो सकता है। तो स्टेट कैंडिडेट के लिए भारी खुशखबरी है, क्योंकि स्टेट जिनका क्लियर नहीं है वे अब की बार अपना स्टेट क्लियर करके जो है एक कदम शिक्षक बनने के लिए अपना सकते हैं। हालांकि भर्तियों का इंतज़ार काफ़ी वर्षों से स्टेट पास कर रहे हैं, कुछ जो है भावी अध्यापकों की ओवरेज भी हो गई है और कुछ जो है अब भी डटे हुए हैं मैदान में और हरियाणा में टीचर बनने के लिए। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के द्वारा जरूर डालिएगा। धन्यवाद।